जरिए बताते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के चुनाव अधिकारी की क्या कुछ प्लानिंग है। आपको बताएं, प्रदेश सरकार ने केंद्र से 200 से ज्यादा बीएसएफ के जवानों की टुकड़ियां मांगी हैं और अति संवेदनशील और संवेदनशील सीटों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसी के साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी, जिस पर अधिकारियों की चौकसी लगातार बनी रहेगी, पैनी नजर रहेगी। लोकसभा चुनाव में डेरों की गतिविधियों पर भी नजर रहेगी। आपको बताएं कि ये जो रणनीतियां हैं ये अभी से लागू कर दी गई हैं, जो लोकसभा चुनाव तक बनी रहेंगी। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन की हिंसा से प्रभावित रहे शहर अति संवेदनशील कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। इन सभी जगहों पर आधुनिक फोर्स की नियुक्ति की जाएगी। 10 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीट ही सामान्य है, बाकी 8 सीटें संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरीज में रखी गई हैं। 2014 में 74 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की राज्य को मिली थी। प्रदेश सरकार ने केंद्र से 200 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की मांगी है।